हाँ तो गाइस अभी के टाइम पे श्री राम जी का ये वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मेरे राम लला, तो अभी के टाइम पे गाइस इस तरह का श्री राम जी फ्रेम फोटो के साथ में जो वीडियो है ना काफी वायरल हो रहा है। आज मैं आपके लिए इस तरह का स्टेटस वाला वीडियो एडिट कर बताने वाला हूँ। आपको बनाना किस तरीके से है काफी सिंपल है, तो जो बता रहा हूँ ना आपको वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला जो काम है उसके लिए आपको अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। तो चलिए जैसे ही आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो प्लस का आइकन है तो वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको 9:16 में करना है यानी कि इंस्टाग्राम रील वाली साइज में। बैकग्राउंड में ध्यान रखें लाइट ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर ही आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। अभी देखो गाइस आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन मिलेगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे अब आपको मीडिया वाले सेक्शन में जाना है। अब देखो जो श्री राम जी का जो ट्रेंडिंग वाला फोटो है अभी के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वैसे तो अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास होगा ही, अगर आपके पास में नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, साथ में आपको इंस्टाग्राम या फिर गूगल पर मिल जाएगा। अभी देखो जो आपने फोटो ऐड किया होगा ना उसको आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। लेयर का टाइमिंग बढ़ा लेना, जैसे कि आप कितने सेकेंड का वीडियो बनाना चाहते हो, 8-9 सेकेंड मैंने यहाँ पर कर लिया है। अभी आपको लेयर के स्टार्टिंग में रहना है, अगेन प्लस पे जाना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे अब आपको पहले की तरह मीडिया पे जाना है। अब देखो जो ग्रीन वाला फ्रेम है ना, ये वाला जो फ्रेम मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे साथ में वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा। लेयर पे टैप करते हुए बैकग्राउंड के लेयर के लास्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोनों लेयर का टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अभी देखो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, आपको सिंपल सी मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है। जब आप मूव पे जाओगे तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इससे आप जो फ्रेम है ना इसको स्क्रीन पर थोड़ा जूम कर लेना इसको, और साथ में यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा जूम भी नहीं करना है फ्रेम को, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में आपको फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, मूव पे जाना है। अब देखो आपका जो बैकग्राउंड वाला फोटो है ना आपके फ्रेम से बाहर होना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा बाहर भी मत करना, फ्रेम में आपका जो श्री राम जी का फोटो है ना फ्रेम में आना चाहिए। साथ में आपको दोनों लेयर को यहाँ से कॉपी करना है, थोड़ा दबा के रखिएगा कॉपी हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, छोटी वाली स्क्रीन में आपने देखा होगा। अभी आपका यहाँ पे ग्रुप का लेयर बन चुका है तो आपको ग्रुप के लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप इफेक्ट पे जाओगे उसके बाद आपको एड इफेक्ट पे जाना है। नेक्स्ट आपको सर्च में जाके यहाँ पे एक्सपोजर गामा सर्च करना है, ओनली एक्सपोजर टाइप करना है तभी इफेक्ट आएगा। एक्सपोजर के बाद अगर आप गामा डालोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली एक्सपोजर टाइप कर सेटिंग पे जाना है। साथ में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सपोजर का जो ओपेसिटी है उसे थोड़ा सा आप बढ़ा देना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्सपोजर का जो ओपेसिटी है ना उसे 0.15 तक कर देना। बैक आने के बाद आपको अगेन ग्रुप क्लियर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडो पर जाना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है इसको इनेबल करना है। साथ में जो बॉर्डर का कलर है ना वो ब्लैक होना चाहिए, एंड ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देना, साइज वाला जो ओपेसिटी है साइज ही है ना, हाँ तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, बॉर्डर में आपको ब्लैक कलर ही रखना है। अब आप चाहो तो ग्रुप क्लियर पे क्लिक कर मूव पे जाके जो फोटो और फ्रेम है ना उसको स्क्रीन पे छोटा बड़ा कर पाओगे। ध्यान रखें फोटो बीचों-बीच सेंटर में होना चाहिए, साथ में जितना साइज मेरा है ना उतना ही आपका होना चाहिए। उसके बाद अगेन प्लस पे जाइएगा, अब यहाँ पे जो पहले नंबर का शेप है उसमें जो सेकंड वाला शेप है ना वही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है कलर एंड फील पे, शेप में आप लोगों को ध्यान रखना है वाइट कलर ही लगाना है। साथ में आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, अब जो शेप है ना थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना मैंने यहाँ पे शेप लगाया है ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेम उतना ही साइज होना चाहिए। साथ में शेप के लेयर पे टैप करते हुए बैकग्राउंड के लेयर के लास्ट में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर देना, लेयर का टाइमिंग एडजस्ट हो चुका है। अभी आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, जब आप मूव पे जाओगे तो यहाँ पे लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है, साथ में आपको जो लेयर है उसमें थोड़ा आगे जाना है, शेप को शाइप अप की मदद से यहाँ पे फेस पे कीजिएगा। अब आपको एक बार फिर लेयर में थोड़ा आगे जाना है, जो शेप है ना उसको फेस में फिर दूसरी जगह पे करना है। उसके बाद आपको पहले की तरह लेयर में थोड़ा आगे जाना है, शेप को फिर उस जगह से दूसरी जगह पे करना है। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, जो आपका शेप है ना वो फेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आप लेयर में थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो जो शेप है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह पे करना है, साथ में जो शेप है ना वो फेस के अंदर ही होना चाहिए। अब आपको इफेक्ट लगाना है तो आपको शेप के लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है। जब आप इफेक्ट पे जाओगे तो उसके बाद जाना है एड इफेक्ट पे। जैसे ही आप एड इफेक्ट पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखना है सर्च बार मिलेगा, तो सर्च में जाने के बाद आपको ब्लॉक डिजोल्व लिख के टाइप करना है। जैसे ही आप ब्लॉक डिजोल्व यहाँ पे सर्च करोगे तो इफेक्ट जो आता है ना सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारा ओपेसिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो पहले नंबर का ओपेसिटी है ना, आपको जो पहले नंबर का ओपेसिटी है इसको 950 करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर का ओपेसिटी आता है साइज वाला, उसका जो ओपेसिटी है ना उसको 55 या फिर 4 कर देना, मैक्सिमम 55 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे सीड मिलेगा, सीड वाला जो ओपेसिटी है ना उससे पहले आपको लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है।
उसके बाद आपको जो सीट का ओपेसिटी है 0.07 कर देना। नेक्स्ट आपको जो लेयर है ना, लेयर के बिल्कुल एंड में जाना है। अब जो सीट का ओपेसिटी है ना, प्रेशर आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है, जैसे कि 0.20 कर देना। तो अब आपको वेक आने के बाद अगेन आपको इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है। अब देखो यहाँ पे गीजियन ब्लर लिख के टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे गीजियन ब्लर सर्च करोगे तो आपके सामने जो इफेक्ट आता है सिलेक्ट कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लर में एक ही ओपेसिटी मिलेगा, तो जो ओपेसिटी है ना इसमें एक ही ओपेसिटी दिया जाता है, तो ओपेसिटी को 0.945 या फिर 950 के करीब आप कर देना, मैक्सिमम 950 तो होना ही चाहिए। अब आपको एक बार फिर बैक आकर इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाके यहाँ पे एक्सपोजर गामा टाइप करना है। आपको गामा नहीं लिखना है, मैंने पहले भी बता दिया था, ओनली एक्सपोजर टाइप करना है। जब आप एक्सपोजर लिखोगे तो इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्सपोजर वाला ओपेसिटी है इसे 2.00 करना है, बस आपको इतना ही करना है। एक्सपोजर का जो ओपेसिटी है ना बिल्कुल एंड करना है। अभी देखो यहाँ पे जो फेस में ब्लर है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसको लो करने के लिए आपको ब्लेंडिंग पे जाना है। जब आप ब्लेंडिंग पर क्लिक करोगे तो आपको पहले नंबर पर डार्केन मिलता है, डार्केन में पहले नंबर पर ही मिल जाता है मल्टीप्ले, तो सिंपल सी वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अभी देखो जो फेस का लाइट है ना थोड़ा यहाँ पर डाउन हो चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जो फोटो है ना उसके ऊपर आपको श्री राम वाला टेक्स्ट डालना है, तो मैं आपको PNG के माध्यम से बता रहा हूँ। सिंपल सा काम है, आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके मीडिया पे जाना है। अब देखो यहाँ पे श्री राम जी का जो टेक्स्ट है ना जिस पर श्री राम लिखा होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो PNG टेक्स्ट होगा ना मैं टेलीग्राम चैनल पे साथ में B2 की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा। मुंह पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट को स्वाइप अप कर फोटो के जस्ट ऊपर यहाँ पे ऐड कर देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, सेम उसी तरीके से आप ऐड कर देना। अब देखो यहाँ पे PNG टेक्स्ट वाले लेयर का टाइमिंग एडजस्ट करना है, तो आप लेयर के एंड में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेयर का टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब आपको एक बार फिर लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके मीडिया पे जाना है। इस बार आपको इमोजी और आपका जो नेम होता है वो वाला PNG यहाँ पे ऐड करना है। मूव पे जाने के बाद आपको जो इमोजी और आपका नेम होगा ना उसको आप फोटो के जस्ट नीचे लगा देना है। इमोजी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आपको अपना नेम इमोजी के साथ में कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है पिक्सल लैब, ज़्यादातर लोगों के पास होगा ही, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी देखो जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है, ऊपर प्लस पे जाके फॉर्म गैलरी पे जाना है। जब आप फॉर्म गैलरी पे जाओगे तो यहाँ पे जो इमोजी वाला PNG है ना, ये वाला PNG तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा, बीच सेंटर में लगाना है थोड़ा छोटा कर। अब देखो इसी इमोजी के नीचे नेम डालना है, तो प्लस पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट पे जाइएगा, उसके बाद आपको IG डालकर यहाँ पर अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है, जैसे कि बड़ा वाला ABCD बनाना है। साथ में जो नेम का टेक्स्ट है ना उसमें ब्लैक कलर ही लगाना है, तो चलिए यहाँ पे मैं भी अपने टेक्स्ट में ब्लैक वाला कलर जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। अब देखो थोड़ा और आगे जाओगे ना तो वहाँ पे स्टाइल मिलेगा, स्टाइल पे जाके BP क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो वहाँ पे स्पेसिंग मिलेगा, तो थोड़ा सा स्पेसिंग देना है, टेक्स्ट में ज़्यादा स्पेसिंग मत देना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितना मैंने दिया है ना उतना ही आप स्पेसिंग दे देना है, यानी कि टेक्स्ट में स्पेस दे देना। इमोजी के जस्ट नीचे टेक्स्ट को लगाना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको PNG बनाना है, उसके बाद आपको पिंक क्वालिटी अल्ट्रा में शेप करना है। नेक्स्ट आपको अलाइट मोशन में मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको ऐड करना है, तो बस इतना सा स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप चाहो तो गाइस अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाओगे, काफ़ी सिंपल है, तो चलिए यहाँ पे मैं भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। साथ में ऑडियो वगैरह तो आप इंस्टाग्राम से लगा लीजिएगा जो भी ट्रेंडिंग में, और हाँ अगर आप जा ही रहे हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ में सब्सक्राइब आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।